दोस्तों आज मैं आपके सामने लाया हूँ मी पावर बैंक 2i। ये है 10,000 mAh की बैटरी वाला पावर बैंक। मैं आपको बताने वाला हूँ ये है काफी सस्ता और काफी अच्छा, क्योंकि मैं इसको यूज कर चुका हूँ पूरे 2 महीने तक। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस वीडियो में कि आपको क्यों ये लेना चाहिए, और आप अगर एक पावर बैंक ढूंढ रहे हैं तो ये शायद ही आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है। और इसका जो प्राइस है वो बहुत ही कम है, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में और डिटेल में बताता हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल सपोर्ट पर्पस। दोस्तों ये है मी पावर बैंक 2i, यानी कि इसमें आपको 10,000 mAh की बैटरी मिलती है। तो जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। हालांकि मैं ऑलरेडी इसकी अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ, क्योंकि 2 महीने में जब मैं इसे यूज कर चुका हूँ तो अनबॉक्सिंग तो फिलहाल मैं इसकी कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपको एक बार दिखा देता हूँ बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलता है, और फिर आगे बताता हूँ इस पावर बैंक के बारे में आपको। तो दोस्तों बॉक्स कुछ इस तरीके का आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया, और नीचे आपको यहाँ पे लिखा मिलता है 10,000 mAh mi पावर बैंक 2i। और पीछे की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको कुछ प्रोडक्ट डिटेल मिल जाती है, जैसे कि आपको बताया गया इसके बॉक्स के अंदर आपको क्या मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिलेगा एक पावर बैंक, ठीक है, एक यूएसबी केबल और यूजर मैनुअल, जिसका कलर है वो है ब्लैक, और यहाँ पे इसके मॉडल नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे आपको इसकी कुछ लेंथ वगैरह बताई गई है, ठीक है, इसकी हाइट डायमेंशन वगैरह कितना है, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इसके अलावा यहाँ पे चलिए इसको अब मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया था इसको मैं 2 महीने से यूज कर रहा हूँ, तो ऑलरेडी मैं इसको खोल चुका हूँ, फिर भी मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि किस तरीके से बॉक्स के अंदर आपको कुछ प्रोडक्ट मिलते हैं। तो ये बॉक्स मैंने साइड में कर दिया, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको यूएसबी केबल मिलती है इसकी, ठीक है, और ये यूएसबी केबल बहुत गंदी हो गई है, क्योंकि मैं इसको बहुत ही रफ एंड टफ तरीके से यूज करता हूँ, तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा डर्टी हो गई है ये यूएसबी केबल। और इसके साथ जो यूएसबी केबल आपको मिलती है वो मिलती है माइक्रो यूएसबी। और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, इसके अलावा आपको यहाँ पे पावर बैंक मिलता है, और साथ में ये हमारा पावर बैंक है, ठीक है, और यहाँ पे और साथ में आपको ये यूजर मैनुअल मिलती है। और दोस्तों ये यूजर मैनुअल बहुत काम की है, अगर आपको इस पावर बैंक के बारे में कुछ भी जानना है तो इस यूजर मैनुअल में सब कुछ लिखा हुआ है, यानी कि आपको कैसे ऑपरेट करना है सब कुछ बता रखा है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपका ये कोड मिलता है, ठीक है, आप इसको ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है या नहीं है, क्योंकि मार्केट में आपको फेक एमआई के और भी बहुत सारे जो है पावर बैंक मिल जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है फेक एमआई का पावर बैंक आप ना ले। तो ये यूजर मैनुअल बहुत ही ज्यादा काम किया, इसमें आपको सब कुछ बताया गया है। तो अब मैं बढ़ता हूँ अपने पावर बैंक की तरफ और आपको बताता हूँ इस पावर बैंक की खासियत क्या है। तो दोस्तों ये है हमारा एमआई का पावर बैंक, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं इसमें जो कलर है वो ब्लैक बताया गया है बॉक्स पे, लेकिन जब आप इसको हाथ में लेंगे तो आपका ऐसा लगेगा जैसे कि थोड़ा थोड़ा ये ब्लू कलर का भी है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूँ तो सामने आपको फ्रंट में यहाँ पे लिखा होगा मी का लोगो मेरा मिलता है, ठीक है, नीचे की तरफ मैं आपको उसकी डिटेल बताई गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 10,000 mAh की इसमें बैटरी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके मॉडल के बारे में लिखा हुआ है, और साथ में इनपुट और आउटपुट बताई गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इनपुट मिलती है वो मिलती है 5V 2A की और 9V 2A की, यानी कि आप इससे फास्ट चार्ज भी कर सकते हो। और यहाँ पे आप आउटपुट भी देख सकते हैं इसकी, और जो इसकी मैक्स आउटपुट जाती है वो 15W तक जाती है। और ऊपर की तरफ अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आपको 2 USB पोर्ट मिलते हैं, एक माइक्रो USB पोर्ट मिलता है और एक पावर बटन मिलता है। तो मान लीजिए अभी आपको पावर बैंक का स्टेटस चेक करना है कि कितना चार्ज है, तो आप इस बटन को दबाएंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने कुछ 4 लाइट आ गई है। अब ये जो 4 लाइट है वो इंडिकेट कर रही है कि आपका पावर बैंक कितना चार्ज है। अगर 4 लाइट आ रही है तो यहाँ पे इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपकी 1 लाइट ब्लिंक करती है तो यानी आपका पावर बैंक जो है 25 से 0% के अंदर के बीच में है चार्ज। अगर आपकी 2 लाइट आती है तो यानी ये है 50 से 25 के बीच में। 3 लाइट अगर आपकी आ रही है तो ये है 75 से 50 के बीच में। और अगर आपकी आती है 4 लाइट तो ये 100 से 75 के बीच में इसकी जो है बैटरी बैकअप है, यानी कि इसके अंदर इतना बैटरी बैकअप बचा है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो पूरा पावर बैंक है वो चार्ज कितनी देर में होता है। देखिए इसको मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे 2 महीने से यूज कर रहा हूँ, तो ये जो है अगर आप इसे फास्ट चार्जर से, यानी कि अगर आप इसे फास्ट चार्जर से चार्ज करते हैं तो ये जो है आपका 4.5 घंटे के आसपास में जो है आपका फुल चार्ज हो जाता है। इसके अलावा अगर आप इसे नॉर्मल चार्जर से चार्ज करते हैं तो ये 6.5 घंटे के आसपास लेता है। और अगर मैं आपसे बात करूं ये फोन कितनी देर में चार्ज करता है, तो यहाँ पे जो इसके बॉक्स में लिखा है जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं इसके बॉक्स में लिखा हुआ है Redmi Note 5 जो है ये 1.5
ठीक है, यानी कि आवर में चार्ज कर देता है। और यहाँ पे अगर हम आईफोन 7 देखेंगे 3.5 आवर में फुल चार्ज कर देता है, और यहीं पे अगर आप आईपैड मिनी चार्ज करते हैं तो 1.3 आवर में ही चार्ज कर देता है। तो दोस्तों मेरा जो एक्सपीरियंस रहा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मेरे हिसाब से ये जो पावर बैंक है वो जो चार्ज करेगा वो आपका करेगा ऑलमोस्ट, अगर आप कोई भी फ़ोन लगाते हो तो आप 2 घंटे मान लीजिए, या फिर अगर फास्ट चार्जर सपोर्ट करता है आपका फ़ोन तो ये जो है आपके फ़ोन को जिस हिसाब से आपकी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट लेता है फ़ोन, यानी कि मान लीजिए 45 मिनट 1 घंटे में आपके फ़ोन को बड़े तेज़ी से चार्ज कर देगा। और ये जो पावर बैंक है वो स्मार्ट पावर बैंक है, तो ये अपने आप डिटेक्ट कर लेता है कि आपका फ़ोन जो है फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है या नहीं करता है, और उसी हिसाब से ये इनपुट और आउटपुट देता है। और दोस्तों यहाँ पे इस पावर बैंक की जो प्राइस है वो बहुत ही कमाल की है, वो है 800 रुपये। मैंने इसको ऑफलाइन 800 रुपये में लिया था, तो हो सकता है अभी इसका प्राइस कुछ गिर भी गया हो, 2 महीने पहले लिया था मैंने, तो हो सकता है आपको ये 700 रुपये मिल जाए। इसके अलावा दोस्तों इस पावर बैंक में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगी है, हालांकि एक फंक्शन और है इस पावर बैंक में जो मैं आपको अभी बताता हूँ। अब मान लीजिए यहाँ पे आपको अपना कोई भी ब्लूटूथ स्पीकर वगैरह चार्ज करना है इससे, जिसमें आपको लो करंट चाहिए होता है, तो आप इसको 2 बार दबाएंगे ऐसे, ठीक है, तो आप देख सकते हैं अब जो लाइट ब्लिंक कर रही है वो एक एक करके कर रही है, ठीक है, 1 2 ठीक है 3 और अभी आएगी 4। मान लीजिए आपके कोई भी छोटे डिवाइस को आपको चार्ज करना है, ब्लूटूथ स्पीकर हो गया, हैंडसेट हो गया, ठीक है, तो ये जो है उसके लिए आपको ये फंक्शन देता है, आप इस पर डबल प्रेस करेंगे उसके बाद जो है ये ऑटोमेटिकली उसको चार्ज करना शुरू कर देगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। और अगर आपको उसको नॉर्मल मोड में वापस लाना है तो आपको उसको एक बार प्रेस करना पड़ेगा ऐसे, और ये वापस नॉर्मल मोड पर आ जाएगा। और इसमें आप अपना कोई भी फोन चार्ज कर सकते हैं, चाहे वो फास्ट चार्जिंग वाला हो या फिर आपका नॉर्मल फोन चार्जिंग वाला हो, ठीक है। और टाइप सी भी आप इसमें चार्ज कर सकते हैं, आपको सिर्फ अपनी डाटा केबल चेंज करनी पड़ेगी। जो इसके साथ डाटा केबल आई है वो मैं आपको बता देता हूँ, उसकी जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा लंबी तो नहीं है हालांकि, जैसे कि आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो केबल है वो काफ़ी अच्छी है, और मैं इसको काफ़ी रफ एंड टफ तरीके से यूज़ कर चुका हूँ, ठीक है, और काफ़ी लेंथ जो है इसकी बहुत छोटी है, तो मतलब आप डिवाइस कैरी अच्छे से कर सकते हो अपने पॉकेट वगैरह में लगा के, साथ में मोबाइल और अपने फ़ोन को, और काफ़ी स्लिम है ये पावर बैंक आप देख सकते हैं, ठीक है, तो आपके पॉकेट में भी इजीली ये आ जाता है। तो मेरे को दोस्तों अभी तक इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है इस पावर बैंक में, लेकिन अगर आपको कोई एक अच्छा पावर बैंक ढूंढ रहे तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मैंने खुद खरीदा है इसको अपने पैसे देके, कोई ये रिव्यू व्यू नहीं है, हालांकि मेरे चैनल पे अभी तक कोई मैंने रिव्यू करा भी नहीं है, क्योंकि जो मैं चीज़ खरीदता हूँ वो खुद ही अपने आप से उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो ये जो है मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा पावर बैंक है, और आप भी इसे ले सकते हैं अगर आपको पावर बैंक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और 800 रुपये मैंने लिया था, हो सकता है आपको 700 में मिल जाए, क्योंकि ऑनलाइन जो है डिस्काउंट आते रहते हैं, तो आप देख लेना। तो मैंने इसका लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं। और यहाँ पे इसके अलावा दोस्तों अगर आपको इस पावर बैंक के बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा अगर मैं बिजी नहीं हुआ तो। और यही है बस पावर बैंक के बारे में जो मैं आपको बताना चाह रहा था, कि ये काफ़ी अच्छा पावर बैंक है और इसमें फ्लैश लाइट नहीं आती। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि इसमें फ्लैश लाइट आती है साथ में, तो इसमें फ्लैश लाइट नहीं आती है। और यहाँ पे एक और सवाल होगा दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का, कि ये कितनी बार डिवाइस को चार्ज कर देगा। तो देखिए मैं आपको सिंपल सीधी बात बता देता हूँ, अगर आपके 2 फोन है यानी 3000 mAh की बैटरी है या 3500 mAh की बैटरी है, तो ये समझ लीजिए एक बार 3500 mAh की बैटरी को और एक बार 3000 mAh की बैटरी को ये फुल चार्ज कर देगा, यानी कि 2 फोन चार्ज कर सकता है आपके ये, अगर आपकी बैटरी है 3000 के आसपास या फिर 3500 mAh के आसपास बैटरी है, तो ये उसको आसानी से चार्ज कर देगा। तो बस यही है इस पावर बैंक के बारे में, एक बार मैं इसको चार्जिंग पे लगा के भी आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इसे एक नॉर्मल चार्जर से भी चार्ज करके आपको दिखाता हूँ, यानी कि दिखाता हूँ कि इसको आप कैसे चार्ज कर सकते हैं थोड़ा सा एक बार, ठीक है। तो मैंने इसको अभी आप प्लग पे लगाया, ठीक है, मैंने पावर ऑन करी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसमें अभी केबल लगाई मैंने, और यहाँ पे जो है इंडिकेटर लाइट जो है शुरू हो जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इंडिकेटर देखने शुरू हो गए होंगे। तो अभी आप देख सकते हैं ये जो शो कर रहे हैं इंडिकेटर, यानी कि ये जो अभी चार्ज कितना है यहाँ पे अभी शो कर रहा है, यहाँ पे 3 लाइट जल रही है, एक ब्लिंक कर रही है, यानी कि ये स्टेटस बता रहा है कि अभी ये 75% से ऊपर चार्ज है, यानी कि 100% अभी ये नहीं हुआ है। जब ये 100% हो जाएगा तो ये चारों लाइट जो है स्टेबल हो जाएगी, और इस तरीके से जब ये डिस्चार्ज होता है तो ऐसे ही काम करता है, ठीक है। मैंने आपको बैटरी का इंडिकेटर बता दिया है, ठीक है, अगर एक इंडिकेटर चल रहा है तो 0 से 25% के बीच में बैटरी है, अगर 2 इंडिकेटर चल रहे हैं तो 25 से 50 के बीच में बैटरी है, 3 इंडिकेटर चल रहे हैं तो 50 से 75, और अगर 4 के 4 इंडिकेटर है तो 75 से 100 के बीच में इसकी बैटरी है। तो दोस्तों ये था मी पावर बैंक 2i, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आप लोगों को पावर बैंक भी पसंद आया तो मैंने इसका लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके इसे खरीद सकते हैं, बाय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा लेना, ताकि आप लोगों को मेरी वीडियोस की ऐसी नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।